अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो आज का जो व्लॉग है, कल वाले व्लॉग को जहाँ से छोड़ा था वहीं से अगला व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने किस तरह से सारी अपनी जो है वो शिफ्टिंग की है। अब शिफ्टिंग के दौरान और क्या क्या एक्टिविटीज़ जा रही हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम जस्ट शिफ्टिंग ही करते रहें, तो कुछ घर की चीज़ों की भी ज़रूरत थी। तो पास ही मेरे घर के स्टोर है, तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे। कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरी सिस्टर को चाहिए थी, कुछ मुझे चाहिए थी, तो फिर हम लोग वो लेने के लिए स्टोर में चले गए थे। बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा रेंज है ये जॉनसन्स वगैरह की। और यहाँ पे मैं आपको आइडिया दे दूँ कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि अच्छी स्किन हो बच्चों की, तो ज़रूर ये जॉनसन्स के जो लोशन है वो ज़रूर यूज़ करें। मैं तो कभी अपने बच्चों को, यानी जो मेरी बड़ी बेटी है, मैंने तो कभी उसको भी क्रीम वगैरह फेस पे नहीं यूज़ करवाई। मेरी बेटी ने आज तक कभी फेयर एंड लवली भी नहीं लगाई, वो भी जॉनसन्स लोशन ही लगाती है। यानी तकरीबन मैं अपने सारे बच्चों के फेस पे जॉनसन्स लोशन ही यूज़ करती हूँ। और इस स्टोर में बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। यहाँ पे ये मग देखें, काफ़ी खूबसूरत है। बट वट जैसे कि जॉनसन्स आपको पसंद है ना, जॉनसन्स लोशन, यू लाइक जॉनसन्स लोशन। No, no, you have to say me with your voice. मुझे जॉनसन लोशन पसंद है। Okay, do you like these mugs? Yes. Why you like these mugs? Because this is happy mind. What? Because this is my happy mind. Okay. Do you like to go for grocery with your mother? I want this. You want this? Okay. Now I can voice over? Yeah. Thanks. Now I am doing my voice over. Okay, जी ये थे जी अहमद। और मैं देख रही थी स्टोर में बच्चों के लिए काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी और रिजनेबल प्राइसेस पे थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये शिफ्टिंग का है जी चौथा दिन। और थोड़ा सा किचन को मैंने सेट कर लिया था कि खाना वगैरह बनाने के लिए किचन थोड़ा सा सेट हो जाए। तो यहाँ से दूर से देखें, ये है जी ऑन दी होल किचन। ये हम लोग गए थे बुध बाज़ार, सब्जियाँ वगैरह ले आए थे। और यहाँ पे मैं आपको ट्रेजेडी बताती हूँ कि मैं और मेरी सिस्टर भी सब्जियाँ वगैरह ले आए थे और मेरे मियाँ भी रात को ले आए थे। तो बस फ्रिज सब्जों सब्जी हो गई थी। और यहाँ पे ये सारा एक्स्ट्रा सामान पड़ा है जिसकी अभी मुझे कोई समझ नहीं आ रही मैं कहाँ पे रखूँ। जूते इस तरह से टब में पड़े हुए हैं। बाहर भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या होलनाक से मनाजर हैं, ये देखें। यानी अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से ना इसको मैं सेट करूँ। बस कर रहे हैं, बच्चे भी काफ़ी मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी ना बड़ा मुश्किल काम है। और सर्दी, सर्दी का तो पूछे मत, सर्दी तो अपने फुल अरूज पे है। अच्छा, ये हमारा मास्टर बेडरूम है और उसकी कंडीशन देख लें। आज चौथा या पांचवा दिन है और अभी तक जो मास्टर बेडरूम है वो उल्टा पड़ा हुआ है। मेरी सारी मेकअप एक्सेसरीज, ये वो, बस सब कुछ उल्टा पड़ा हुआ है, ये देखें। और बेड के ऊपर बस कपड़े ही कपड़े हैं और मेरी दूसरी चीज़ें हैं, मेकअप वगैरह और जितना भी सामान होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला आज मेरा पक्का इरादा है कि मैं इसको यूज़ कर लूँ, सेट कर लूँ। और ये देखें ज़रा, मेरे बच्चों ने सीरम्स जितने भी हैं, जहाँ जहाँ उनका दिल करता है ना, वो इन सीरम्स को फेंकते हैं। विंसी का विटामिन सी सीरम है, अच्छा है ये सीरम। मेरा रिव्यू भी होगा इस पे, जो लोग फुल डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हों वो मेरे चैनल पे चले जाएं और इसका फुल रिव्यू देख लें। अच्छा, सॉरी मैं पाउंस से बॉक्स को खोल रही हूँ क्योंकि कमर में इतनी दर्द है कि मेरे से कमर बैंड नहीं हो रही। ये वाला जो शूज़ है ये मुझे काफ़ी पसंद है, बट ट्रेजेडी ये है कि ये मैं पहन नहीं सकती। ये मैंने अली जो वो है वहाँ से मंगवाया था और इसका जो साइज़ है वो छोटा आया था मुझे, तो ये अभी तक पड़ा हुआ है, ये मैंने यूज़ नहीं किया। और ये जो ऊपर का पोर्शन है, जो सेकंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, उस पर ये फर्स्ट फ्लोर है और इसके बाद ऊपर सेकंड फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर पे भी सामान बिखरा हुआ है। मैट वगैरह जो हैं वो सब धोने वाले हैं, तो बस ऐसे ही काम चला रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैं एग्स बॉईल कर रही थी और दूध मैंने बॉईल करके रखा है। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे भी सोए हुए हैं, तो मैं अकेली ही काम कर रही थी।
दूध वाला दूध दे गया था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी ये वाला काम खत्म कर लूँ। और यहाँ पे अहमद हैं, अच्छा ये वाले जो मग्स हैं ये मैं बुध बाज़ार से लेके आई थी, मुझे प्लीज़ बताइएगा क्या ये मैं महंगे लेके आई हूँ। इसकी जो प्राइस है वो 2400 रुपीज़ थी और मैं 2000 में लेके आई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं महंगे ले आई हो, आप लोग देख के मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई भी प्राइसेस इनके काम नहीं कर रहा था। और स्टोर पे यही वाले जो कप्स हैं ये तकरीबन मिल रहे थे 2600 में, 2500 में, और ये प्योर चाइना बोन जो होता है ना, बोन चाइना, ये उसके मग्स हैं। तो देख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं ठीक प्राइस पे लेके आई हूँ या वाकई में ज़्यादा पे कर रही हूँ, आपने मुझे ज़रूर बताना है। और इन मग्स की प्राइस आप लोगों को पता है, आप लोग तो बाय करते रहते हैं ना, मतलब जो लेडीज़ हैं उनको तो पता ही होता है। तो ये मैंने कोई 20 दफ़ा इनकी वीडियो बना दी है ताकि आपको अच्छी तरह से इनकी शाइन हर चीज़ जो है ना वो नज़र आ जाए। बिल्कुल लाइट वेट से हैं ये, और ये साथ में मैं लेस लेके आई थी बुध बाज़ार से, ये भी बड़े अच्छे रेट्स पे मुझे मिल गई थी, आई थिंक 20 रुपीज़ पर यार्ड थी ये, तो अच्छी लगी मुझे कि दुपट्टे वगैरह को बंदा लगा लेता है, तो इस वजह से मैं ले आई थी। और इसके अलावा भी दो तीन चीज़ें और मैं लेके आई थी, और यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं मामा की शॉपिंग को। ये देखे कौन इंजॉय कर रहा है, इब्तहाज इंजॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे एक बड़ी अमेजिंग सी चीज़ वहाँ से मिली, ये वाली टेबल्स बुक्स थी ये, फिर मैं टेबल बुक जो पहाड़ा होता है मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो बच्चों को इस तरह की नई नई बुक्स ज़रूर ला के दिया करें, ये महंगी भी नहीं है, आई थिंक ये 30-40 रुपीज़ की, नहीं 30 रुपीज़ की उसने मुझे बताई थी, और मैंने 20 रुपीज़ की बुक ये वाली ख़रीदी है। तो इसमें ये देखें टाइम के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, बच्चों को टेबल्स पढ़ने के लिए दें ताकि उनके जो टेबल्स हैं वो अच्छे हो जाएं, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है ये बुक। तो आई होप आज का व्लॉग आपने इंजॉय किया होगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। ये पापा को भी आता है, ये कल मुझे इतना अच्छा लगा, फिर मैंने ये चार खरीदे, देखो ना सब कुछ इसमें है था, 10 करोड़ सिंबल्स भी, हर चीज ही सारा कुछ समझो बैठ।